विपक्षी तो कुछ भी आक्षेप लगा सकता है, उसका तो काम ही है आरोप लगाना। लेकिन ये चीज जो है जनता को सोचना है कि हमको कौन आगे हमारे देश का विकास या मेरा विकास कौन करेगा। गलती एक करे तो भरेंगे सारे थोड़ी ना, कहीं पे एक मुस्लिम ने गलत कर दिया, किसी सिख ने, किसी हिंदू ने कुछ गलत कर दिया तो सारे थोड़ी ना टारगेट हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि योगी जी जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं का पक्ष लेते और मुसलमान के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। देखो ये तो राजनीति है, राजनीति में कोई भी आ जा, धर्म की राजनीति कौन करेगा, ये इन जैसे नेता करेंगे। अच्छा क्या नाम है? राज किशोर सेन। आप किसको देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या कारण है? कारण ये है कि उनके जो छवि है, क्योंकि आज से वो नेता नहीं है, गुजरात का 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, आज तक उन पर कोई आक्षेप नहीं लगा, क्योंकि जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अगर उस तरह का कोई उन पर ये रहता कि हाँ ये भ्रष्ट है, चाहे इनके ऊपर कोई भी आक्षेप रहता तो वो अंदर हो गए रहते, तो उनकी जो छवि है बिल्कुल साफ है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो अनुभवी है। पर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं उनके आगे अनुभव नजर नहीं आ रहा, वो कह रहे कि देश में महंगाई और बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए सर, बेरोजगारी बढ़ने का बहुत सा रीजन है। आज ये कोरोना इतनी बड़ी त्रासदी से जो पूरा वर्ल्ड इसे निकला है, तो महंगाई ये नहीं है कि इंडिया में ही है, आप अलग थोड़ा सा हटकर अदर कंट्री में भी देखिए कि वहाँ क्या स्थिति है। पर राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मेरे को 2024 में मौका मिला, विपक्षी तो कुछ भी आक्षेप लगा सकता है, उसका तो काम ही है आरोप लगाना। लेकिन ये चीज जो है जनता को सोचना है कि हमको कौन आगे हमारे देश का विकास या मेरा विकास कौन करेगा। कौन कर पाएगा भैया देश का विकास, मोदी या राहुल गांधी? मोदी ठीक है। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा पे टी शर्ट में निकले दिल्ली की ठंड में? हाँ वो भी ठीक है वैसे, मतलब वो भारत जोड़ो यात्रा भी ठीक है वैसे। फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा से? फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत भाई, फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा से, लग रहा है? बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। हाँ जी, देख रहे पूरा पूरी दुनिया देख रही, हिंदुस्तान देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है, एक युवा नेता पूरा देश को जोड़ रहा है एक साथ अपने जुड़ करने के लिए। हम देखते हैं सर कि भारत जोड़ो यात्रा में से भीड़ आ रही है, काफी भारी हुजूम भी आ रहा है लोगों का, लेकिन वोट देते वक्त ये लोग कहाँ नदारद हो जाते हैं? सर सारा सारा सिस्टम ईवीएम का है, नदारद सब वही है, मगर ये लोग दिखाते नहीं है बस। आप दिखाओगे अगर भीड़ तो भीड़ दिखेगी, आप दिखाओगे? नहीं भीड़ तो दिखा रहे हैं, वो भीड़ आ भी रही है, मैं तो कह रहा हूँ भीड़ आ रही है, पर वोट देते वक्त कहाँ चली जाती है? वोट तो कहीं जाती नहीं है, बस जो है पब्लिक से माया आपको पता क्या कहती है बाद में क्या करती है बस, वही सिस्टम है। तो फिर क्यों नहीं जुड़ पा रहे लोग भारत जोड़ो यात्रा में तो आ रहे हैं, वोट क्यों नहीं दे रहे? सब जुड़ रहे हैं सर, अब धीरे धीरे जितने लोग पीछे चले गए थे, जो पार्टी छोड़ के चले थे कांग्रेस के, वापस रिटर्न आ रहे हैं, आप देख रहे हो? नहीं वो आपकी बात से तो मैं सहमत हूँ, भीड़ आ रही है, लोग भी आ रहे हैं, पर वोट क्यों नहीं? आने वाला चुनाव जो होगा जब देखा जाएगा वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितना फायदा कांग्रेस को होता है तो चुनाव में पता चलेगा। इसका फायदा जरूर होगा कांग्रेस को, 100% होगा जी, बिल्कुल होगा। अच्छा और कोई तीसरा चेहरा नहीं होगा राहुल गांधी के अलावा? राहुल गांधी मोदी के अलावा कोई तीसरा चेहरा सामने आया? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई दूसरा नहीं हो सकता तीसरा, मोदी जी और राहुल जी और कोई दूसरा नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी ने अभी कुछ बयान भी दिए थे कि हमारे देश की सेना पिट रही है, सेना के लिए ऐसे शब्द बोले, फिर कन्हैया कुमार को भी साथ लेकर आ रहे जिन्होंने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ऐसे लोगों को साथ लाने से क्या कांग्रेस की छवि बिगड़ेगी? छवि तो बिगड़नी बिगड़नी है जी, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे अपनी सेना के अपने देश के लिए तो बिगड़नी थोड़ी सी बिगड़नी चाहिए, थोड़ा सा पावर अपनी दिखाओ, अपने देश के बारे में कुछ ना हो बस। आप युवा नेता हो सब आपको समर्थन कर रहे हैं, जहाँ से आप निकल रहे हो वहाँ पब्लिक लाखों की भीड़ आपके पीछे चल रही है, कम से कम आप इतने समझदार कोई बोल कुछ बोलना तो आपको अच्छी तरीके से बोले आप। अच्छा ये इन शब्दों को मतलब जो आप कह रहे हो गलत है? गलत है शब्द एकदम। भाई क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान किसे देखना चाहोगे भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? राहुल गांधी। युवा है आपकी तरह इसलिए? हाँ। अरे तुम्हारी काली दाढ़ी उनकी सफेद, युवा कैसे हो गए? अरे दोनों की काली दाढ़ी दिखती नहीं है किसी को बस। अच्छा दिखती नहीं है, काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। हाँ अरे मौजूदा सरकार से खुश नहीं हो अभी जो है? नहीं वो भी सही है, बढ़िया काम किया है। क्या बढ़िया लगा मोदी सरकार का? सब सही है अपनी जगह, वो भी सही है अपनी जगह, वो भी सही है, हम तो सारे बढ़िया है, बस ये जो नफरत की राजनीति चल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा क्या युवाओं को? जी रोजगार होता तो फिर लोग यहाँ थोड़े ना करते, अपने अपने काम धंधा करते, अपने अपने घर जाते काम करके, है नहीं है? और ये जो इतनी भीड़ लग रही है यहाँ पे देखो तुम, एक दूसरे कोई हिंदू कोई मुसलमान, पूरे दिन यही चलता रहता है हिंदू मुसलमान। और जो न्यूज़ भी है आज तक बहुत सारे चैनल न्यूज़ के, सब गोदी मीडिया है और सबके सब
और ए टू जेड हिंदू मुस्लिम यहाँ पे मुसलमान ने इसको मारा। हिंदू के खैर मुश्किल दिखाएंगे, मुसलमान को ज्यादा दिखाएंगे, हिंदू को बहुत कम दिखाएंगे। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं बस हिंदू। राहुल गांधी कांग्रेस सरकार में बढ़िया था, सब बढ़िया था, बढ़िया था, पर राजनीति तो वो भी हिंदू मुसलमान की करते थे, लेकिन उन्होंने काम बढ़िया करे हैं बस। काम पे वोट डलेगा। मोहम्मद साहब किसे देखना चाहोगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? योगी। योगी जी क्यों? योगी यूपी के अंदर अच्छा काम कर रहा है। क्या बढ़िया किया? बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे कैसे विपक्ष तो कहता है कि वो सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। नफरत की राजनीति किसके पास है? आज के टाइम में तो हर कोई नफरत की राजनीति है। ये दिल्ली के अंदर किन्ने करवाया? दिल्ली के अंदर तो यो तुम्हारा यो प्रधानमंत्री आज कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री मंत्री भी तो आज प्रधानमंत्री में आज पार्लियामेंट के अंदर बोलने वाला एक योगा पैदा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि योगी जी जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं का पक्ष लेते हैं और मुसलमान के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। देखो ये तो राजनीति है। हाँ। राजनीति में कोई भी आ जा, धर्म की राजनीति कौन करेगा? ये जैसे नेता करेंगे। अच्छा, तो फिर ऐसे में योगी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? हाँ? यूपी के अंदर बहुत सुधार हो चुका। सुधार हुआ है? ऐसा सहमत है योगी की सरकार में सुधार हुआ है यूपी में? क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। मैं हरियाणा से हूँ, मेरे यहाँ पे भट्टे पे एक मजदूर काम करता है। तो वो कहता है कि आज से 20-22 साल पहले ना हम यूपी को छोड़ के इसलिए आ गए थे क्योंकि वहाँ पे ना दिन भी रात ही था, गुंडा राज था। कहता है कि अब हम पछता रहे हैं, अब हमें लगता है कि हमने गलती कर दी, 22 साल पहले इधर क्यों आ गई। अच्छा। कहता है मोदी जी ने ना उल्टा कर दिया है। अब ना रात नहीं है वहाँ पे, रात को भी दिन ही है, मतलब सेफ है लोग। अच्छा, अभी भाई साहब बोल रहे हैं अभी कि योगी जी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, लगता है आपको ऐसा होगा? देखो वो आगे की प्लानिंग है उनकी, वो तो पार्टी की बड़े लेवल की बात है, हम इसमें नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन हाँ, लोग ये सोचते हैं कि अगर मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का भी जो चेहरा दिख रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा ने नफरत की राजनीति करी है इन 8 सालों में, इसके अलावा कुछ नहीं किया। सर ऐसा नहीं है, ये देखो पॉलिटिशियन है, अगर कोई भाजपा का ऐसे बोल देता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, और चाहे कांग्रेस का बोल देता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, भैया ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे देखो ना, हम आम लोगों से पूछो ना, मेरे इतने दोस्त मुस्लिम हैं, मैं सिख फैमिली से हूँ, मेरे इतने दोस्त हिंदू से हिंदू हैं, हमें तो कहीं पर लगता नहीं कहीं पर है कुछ भी। पता क्या होता है, जब भी किसी को आप दूसरों को लड़ाओ और खुद राज करो। राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं फिर ऐसा कि जो धरातल पे स्थिति बहुत खराब है, लोगों में नफरत बढ़ रही है? ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लगता, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ है नहीं, मैं बताता हूँ। जो 70 साल से राज कर गई, आज वो राजनीति आज कौन निभा रही है? आज मोदी जी ने जो काम करा है उससे पहले कोई काम करा है? अच्छा, आज बच्चा भी 7 साल का बच्चा भी आज हमारे हाथों में मोबाइल है, वो मोबाइल में भी साइंटिफिक चल रहा है। तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, क्या भारत कहीं से टूट रहा है जो उसे जोड़ने की जरूरत है? भारत कहीं से टूट रहा है क्या जो उसे जोड़ने की जरूरत है? अरे भाई ये तो कहावत है बड़ों की, तो भारत तो वैसे टूटा हुआ कहाँ था, कब से टूटा हुआ था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो हिंदुस्तान जुड़ा हुआ ही है पहले से ही। हिंदुस्तान कहीं से टूट रहा है सर, भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं राहुल? कहीं पे कोई भी टूट नहीं है, सभी मिलके रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, सारे मिलके रहते हैं, कहीं पे धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर कुछ चंद लोगों को किसी बहकावे में ले आओगे, चाहे मैं हूँ और मैंने किसी 10-20-50 को कुछ किसी के लालच में गलत काम के लिए कह दिया, उसने कर दिया गलत काम, और चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से है, तो वो नाम आ जाएगा कि ये हिंदुओं ने कर दिया, ये मुस्लिमों ने कर दिया। उस एक इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 135 करोड़ जनसंख्या है हमारी, अगर कोई 50 बंदे गलत कर देंगे क्या, तो क्या 135 करोड़ उसमें ही शामिल हो जाएंगे? गलती एक करे तो भरेंगे सारे थोड़ी ना, कहीं पे एक मुस्लिम ने गलत कर दिया, किसी सिख ने, किसी हिंदू ने कुछ गलत कर दिया, तो सारे थोड़ी ना टारगेट हो जाएंगे।